So today we are going to learn how to write the introduction of causes solution essay. For those students who don't know, in IELTS there are 7 to 8 types of essays. Mainly they are divided into two parts. First one is discussion essay and second one is opinion essay. Under discussion essay there are further 4 to 5 essays, and under opinion essay there are again 5 to 6 essays. So today we are going to do causes solution essay, which is a discussion essay. So in discussion essay, mainly you need to discuss about a particular statement. The statement here says is, there are a large number of people across the globe who do not do enough exercise. What are the main reasons behind it and what can be the solutions? इसे बोला जाता है causes solution essay. आपसे reasons पूछे गए हैं plus आपसे उसके solutions पूछे गए हैं. कहीं भी आपने अपना opinion नहीं देना, बिकॉज दिस इज नॉट एन ओपिनियन एसे. ठीक है जी, इसे बोला जाता है डिस्कशन एसे. अब इसे जो है आपने इंट्रोडक्शन लिखनी कैसे है, चाहे कॉजेस सॉल्यूशन है, प्रॉब्लम सॉल्यूशन है, एग्री डिसएग्री है, डिस्कस बोथ वे, कोई भी आ गया, आज आपको इंट्रोडक्शन लिखनी अच्छी तरह मैं समझा दूंगी. सो ये वीडियो प्लीज एंड तक देखना ताकि आपको पता लग जाए कि इंट्रोडक्शन किसी भी एसे की लिखनी कैसे है, क्योंकि दो रूल्स हैं जो कि आपने सभी एसेज में फॉलो करने हैं. कौन से दो रूल्स हैं? स्टेप नंबर 1, दैट इज रीफ्रेज द स्टेटमेंट. आपने स्टेटमेंट को रीफ्रेज करना है. अब यहां पे कई लोग कहते हैं कि जर्नल लाइन लगानी है पहले, उसके बाद रीफ्रेजिंग करो. जर्नल लाइन आउटडेटेड कंसेप्ट हो गया है. अगर आप जर्नल लाइन्स लगाओगे वो मेमोराइज्ड एक्सप्रेशंस में माना जाएगा. सो अगर आप जो है हायर बैंड की तैयारी कर रहे हो, योर रिक्वायरमेंट इज 6+, देन आई ऑलवेज रेकमेंड माई स्टूडेंट्स कि आप कभी भी जर्नल लाइन नहीं लगाओगे, आप सिंपली रीफ्रेजिंग से स्टार्ट करोगे. ठीक है जी, रीफ्रेजिंग का मतलब है स्टेटमेंट जो भी गिवन है आपने उसको रीफ्रेज करना है बाय यूजिंग सिनोनिम्स, जेरेंड या फिर पैसिव सेंटेंस स्ट्रक्चर. सेकेंड थिंग विच यू नीड टू डू इज यू नीड टू अप्लाई थीसिस स्टेटमेंट. अब थीसिस स्टेटमेंट का मतलब है, अगर ये ओपिनियन ऐसे है देन आप ओपिनियन दोगे, बट दिस इज नॉट एन ओपिनियन ऐसे, दिस इज एन डिस्कशन ऐसे. सो इस ऐसे के अंदर आप रिवील करोगे दैट वॉट यू आर गोइंग टू डिस्कस इन दी बॉडी पैराग्राफ्स. सेम दो स्टेप्स को फॉलो करके मैंने आपके लिए इंट्रोडक्शन यहाँ पे बना के रखी हुई है. आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने रीफ्रेजिंग की है. करंटली एन ओवरवेलमिंग प्रपोर्शन ऑफ, ओवरवेलमिंग का मतलब होता है लार्ज नंबर ऑफ. ठीक है जी, देन उसके बाद प्रोपोर्शन ऑफ इंडिविजुअल्स. इंडिविजुअल्स यहाँ पे पीपल कहा गया था, मैंने इंडिविजुअल्स कह दिया. काफ़ी बच्चे ये पूछते हैं कि मैम पीपल के और सिनोनिम्स, आप इंडिविजुअल्स लिखो, पीपल लिखो, इसके अलावा मासेस या फोक्स नहीं लिखना आपने. ठीक है जी, वो जो वर्ड्स हैं वो स्पेसिफिकली किसी कॉन्टेक्स्ट में यूज होते हैं, बट इस तरह इंग्लिश में हर जगह हर लोगों को हम मासेस या फोक्स कह के बात नहीं करते. सो इन द एंटायर वर्ल्ड डू लिमिटेड अमाउंट ऑफ फिजिकल एक्टिविटीज. यहाँ पे बोला गया था एक्सरसाइज, सो मैंने बोल दिया है फिजिकल एक्टिविटीज. यहाँ पे बोला गया था एनफ, सो मैंने बोला है डू लिमिटेड. यानी कि यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ, सिनोनिम्स लगा रही हूँ. सिनोनिम्स को लगा लगा के मैंने इस स्टेटमेंट को अपने शब्दों में चेंज कर दिया, रीफ्रेज कर दिया. इट्स नॉट लाइक कि आपने वर्ड टू वर्ड इसके सिनोनिम्स ढूंढ ढूंढ के लगाने हैं, आपके सेंटेंसेस का मीनिंग भी बनना चाहिए. सो आपको करना क्या है, आप अपनी स्टेटमेंट को पहले अच्छे से पढ़ो, जो स्टेटमेंट आपको समझ आई उसे अपने शब्दों में घुमा के इन अ बेटर वे आपने लिखना है. ऑब्वियसली वोकैबुलरी जो है थोड़ी एडवांस्ड होगी, थोड़े बेटर वर्ड्स को आप यूज करोगे. यहां तक मेरी रीफ्रेजिंग हो चुकी है, एंड यहां पर ये जो लाइन मैंने लिखी है ये है मेरी थीसिस स्टेटमेंट. थीसिस स्टेटमेंट को हम आउटलाइनिंग स्टेटमेंट भी कहते हैं, दोनों का मतलब सेम ही है. एक ऐसी लाइन जिसे पढ़ के एग्जामिनर को पता लगेगा दैट व्हाट आई एम गोइंग टू राइट इन द बॉडी पैराग्राफ्स. अब यहां पे मैंने लिखा हुआ है दिस हैबिट, मैं यहां पे हैबिट कह रही हूं, और ये हैबिट वर्ड आप हर ऐसे में यूज नहीं करोगे. अब एक्सरसाइज ना करना, एनफ एक्सरसाइज ना करना एक हैबिट है, एक लाइफस्टाइल है. सो मैंने इसे हैबिट बोल दिया. ठीक है, हैज न्यूमरस हिडन कॉजेस बिहाइंड इट, हाउएवर रेमेडीज आर ऑल्सो अवेलेबल टू कर्ब दिस सिचुएशन. कर्ब का मतलब होता है कंट्रोल. यानी कि इस थीसिस स्टेटमेंट में मैंने रिवील किया कि इसके बहुत सारे रीजंस हैं एंड बहुत सारे सॉल्यूशंस भी हैं, रेमेडीज भी हैं, जिसे के द्वारा ये जो है प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है. ठीक है जी, सो टू स्टेप्स आई हैव फॉलोड. नंबर 1 इज रीफ्रेजिंग, सेकेंड 1 इज थीसिस स्टेटमेंट.
अब स्टूडेंट्स के जो डाउट हैं मैं वो क्लियर करती हूँ जो कॉमनली बच्चों को दिमाग में क्वेश्चंस आते हैं। पहला क्वेश्चन तो ये आता है कि मैम यहाँ पे क्या हम रीजंस मेंशन कर सकते हैं, क्या हम यहाँ पर सॉल्यूशंस मेंशन कर सकते हैं जो हम बॉडी पैराग्राफ्स में देंगे। आंसर इज येस, कर सकते हो, लेकिन मैं आपको रेकमेंड नहीं करूँगी। स्टूडेंट्स गलती क्या करते हैं, वो यहाँ पर एक रीज़न लिख देते हैं, यहाँ पर एक सॉल्यूशन लिख देते हैं, लेकिन बॉडी पैराग्राफ्स में यू नीड टू गिव 2 to 3 आइडियाज़, तो वहाँ पर गड़बड़ हो जाएगी। अगर आपने 2 या 3 आइडियाज़ देने हैं, 2 या 3 रीजंस देने हैं, 2 या 3 सॉल्यूशंस देने हैं, वो 2 या 3 सॉल्यूशंस आप यहाँ पे एक सेंटेंस में नहीं लिख पाओगे, ठीक है। अगर आप समझते हो कि हाँ मैं लिख सकता हूँ, आई कैन मेक अ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस एंड आई कैन जॉट डाउन ऑल 3 आइडियाज इन 1 सेंटेंस, देन वेरी गुड, यू कैन गो फॉर इट। लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं ये मुझसे नहीं हो पाएगा, आप सिंपल ये थीसिस स्टेटमेंट भी लगा दीजिए, लेकिन ये थीसिस स्टेटमेंट अकॉर्डिंग टू द एसे चेंज होगी। मैं ऐसा नहीं कह रही कि आप क्रैम करके हर एसे में यही लगाओ, सिनोनिम्स का यूज़ करो, वहाँ पर रीजंस क्या गया है आप कॉजेज क्या दो, वहाँ पर सॉल्यूशंस क्या गया आप रेमेडीज, रेमेडियल मेजर्स, अप्रोचेस, टेक्निक्स, वेज कह सकते हो। इस तरह से आपने जो है इंट्रोडक्शन लिखनी है। ओके, अब बात करते हैं कि कॉजेज सॉल्यूशन एसे क्या, बॉडी पैराग्राफ्स कैसे क्रिएट करने हैं। फॉर्मेट लिख लेना, दैट इज कॉजेज BP1 में आएंगे, सॉल्यूशंस एंड कंक्लूजन, ठीक है। अब इसके बाद जो है हम डिटेल में करेंगे। आज आपको इस लेसन में मैं सिखाऊंगी कि हमने आइडियाज़ कैसे बैलेंस करने हैं। सबसे पहले कोई भी कॉजल सॉल्यूशन या कोई भी आइल्स ऐसे आ जाए, यू नीड टू स्टार्ट विद प्लानिंग योर आइडियाज़ ऑन द क्वेश्चन पेपर। कभी भी डायरेक्टली राइटिंग शीट पे आप लिखना स्टार्ट नहीं करोगे, स्पेशली जब आप एग्ज़ाम दे रहे हो या मॉक टेस्ट है। इवन आई वुड से, मैं तो अपने स्टूडेंट्स को कहती हूँ क्लास में भी जब आपको आइडियाज़ हम नहीं दे रहे तो आप ब्रेनस्टॉर्म करो एंड उसे क्वेश्चन में या रफ एरिया में आप आइडियाज़ लिखो, ठीक है। अब क्यों मैं ऐसा कह रही हूँ, सपोज करो कि आपने जो है कॉजेज देने स्टार्ट किए एंड यू हैव कोटेड 3 कॉजेज, और जब आप सॉल्यूशंस देने लग गए आपने जो है 2 सॉल्यूशंस दिए हैं, सो यहाँ पर क्या होगा, आपका TR यानी कि टास्क रिस्पॉन्स का स्कोर बहुत लो चला जाएगा, यू विल नॉट गेट हायर बैंड इन राइटिंग। सो मेक श्योर कि आपको पहले ही पता हो कि मैंने कितने आइडियाज़ लिखने हैं, यानी कि अगर हम कॉजेज दे रहे हैं एटलीस्ट 2 कॉजेज या 3 दे सकते हो मैक्सिमम, ठीक है। लेकिन अगर आपने 2 दिए हैं देन 2 सॉल्यूशंस ही आएंगे, आपने 3 दिए हैं रीजंस देन 3 सॉल्यूशंस ही आएंगे। ओके, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट फंडामेंटल टिप फॉर ऑल कॉजेज सॉल्यूशन या ऑल द डिस्कशन एसेज, चाहे वो एडवांटेज डिसएडवांटेज ऐसे हो गया या फिर प्रॉब्लम सॉल्यूशन ऐसे हो गया, उनके लिए ये सबसे इंपॉर्टेंट टिप है। कंक्लूजन में आपने कोई अपना ओपिनियन नहीं देना। सबसे बड़ी गलती स्टूडेंट्स यहाँ पे ये करते हैं दैट दे स्टार्ट गिविंग देयर ओन ओपिनियन इन द कंक्लूजन। फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज अ डिस्कशन एसे, दिस इज नॉट एन ओपिनियन एसे, तो आपने तो अपना ओपिनियन देना ही नहीं है। कहीं पे भी यहाँ पे आपने आई कह के बात नहीं करनी, अगर ऐसा लिखोगे देन भी आपका टास्क गलत हो जाएगा। कंक्लूजन में करना क्या है, आपने पूरे जो भी आइडियाज दिए हैं उन्हें कंक्लूड करना है इन योर कंक्लूजन इन अ न्यू लैंग्वेज, यानी कि दोबारा थीसिस स्टेटमेंट नहीं लिखनी, आपने न्यू लैंग्वेज में अपने आइडियाज को रीफ्रेस करके इन जस्ट 2 सेंटेंसेस, ठीक है, आपने जो है फ्रेम करना है। अब आ जाओ BP1, बॉडी पैराग्राफ 1 के लिए आप जो कनेक्टर लगा सकते हो दैट विल बी टू कमेंस विद, ठीक है, या फिर टू बिगिन विद या फिर To start with, okay, and then you need to write the central idea of BP1. अब BP1 का central idea. Now what is central idea? Central idea का मतलब होता है कि एक ऐसा sentence जो कि examiner को यह बताएगा कि आपने body paragraph 1 में क्या लिखा है. That first sentence has to be crisp. That first sentence has to be short to the point, ठीक है, और इसमें हमने कोई general information नहीं देनी। मतलब इस central idea में मैं ये नहीं लिखूंगी that there are various reasons why people do not do enough exercise, बल्कि मेरा जो main primary reason है मैं उसे quote करूंगी यहाँ पे, ठीक है, but in a small sentence structure, लंबा compound या complex sentence नहीं बनाना in the central idea, ठीक है। एक ऐसा सेंटेंस जो कि पूरे आपके पैराग्राफ को जस्टिफाई करे कि ये पैराग्राफ है किसके बारे में, उसे बोलते हैं सेंट्रल आइडिया। उसे आप आगे जो है एक्सप्लेन करोगे
अगले लेसन्स में आपको सिखाया जाएगा कि आप बॉडी पैराग्राफ्स कैसे क्रिएट करने हैं, बॉडी पैराग्राफ्स को आपने आइडिया अगर कोई उठाया उसे इलैबोरेट कैसे करना है, ठीक है। सो स्टडी हाउस के साथ बने रहिए। जिन्होंने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए, बिकॉज आने वाले दिनों में हर एक एसे पे ऐसे ही आपको डिटेल में लेसन्स मिलेंगे।